आप एक मिनट का साइज देखें, मेरे हाथ पे आ रहा है। यूनिक चीज़ निकली मछली से, इसका मुझे भी नहीं पता, कोई फिश एक्सपर्ट हो तो बताएं। इन्होंने अपने पास रख के संभाल के। अभी बुयुक पाचा साबित पैंतीस लीरा का मतलब है, ये है पाकिस्तानी 350-400 रुपए किलो के दरमियान। ये पालामूत है, ये टूना की फैमिली से होती है, रेड मीट होता है। ये वही ट्राउट है, ये पालामूट है। ये मेन श्रीवास बुलेवारी पे, ये मेन जो मुरियती एरिया कहलाता है। आगे आपको कैथरी कैमी दिख रही है, ये 1000 साल 1200 साल पुरानी यहाँ से बनी हुई चीज है। बंड कीजियो, खाओ पियो मजे करो। अस्सलामुअलैकुम जिशान भाई, मंडकी जियो, खाओ पियो मज़े करो। आज मैं फ़िश मार्केट आ रहा हूँ फ़िश लेने के लिए, और आपको वीडियो बना के भेजूँगा। ये तुर्की में कैसरी सिटी है, यहाँ की फ़िश मार्केट है और बहुत बिजी रोड है। मैं यहाँ से आपको फ़िश की ख़रीदारी भी दिखाऊँगा, कटिंग भी दिखाऊँगा, और जो फ़िश मैंने ख़रीदी होंगी उनकी खासियत भी बता दूँगा। ये करा देनिस के नाम से मछली की शॉप है, यहाँ पे फिश शॉप है, और ये मेन श्रीवास बुलेवारी पे, ये मेन जो मुरियती एरिया कहलाता है। आगे आपको कैथरी कैमी दिख रही है, ये 1000 साल 1200 साल पुरानी यहाँ से बनी हुई चीज़ है। तो मैं आपको मछलियों के रेट दिखाता हूँ यहाँ पे, और सफाई का निज़ाम देखें कितना अच्छा है। ये हमसी है, ये बहुत छोटे साइज की चटड़ी होती है, इसके लोग फ्राई करके बनाते हैं। पाकिस्तान में वाइट कलर की होती है, एनकोवी कहलाता है ये फिश, इंग्लिश में इसको एनकोवी का नाम देते हैं। इसके अलावा ये स्कुमरू है, ये बांगड़ा फिश जैसी होती है, वो सेनेकॉप है, वो भी थोड़ी बांगड़ा ही की फैमिली की है। ये सफाई हो रही है सुबह का वक्त है। ये मैरकित फिश है, ये बड़े वाइट मीट होता है, बहुत ही उमदा जायके की होती है, बहुत मज़ेदार मछली कहलाती है। 35 लीरा का मतलब है, ये है पाकिस्तानी 350-400 रुपये किलो के दरमियान। ये पालामूत है, ये टूना की फैमिली से होती है, रेड मीट होता है। 39 लीरा का मतलब है, ये पाकिस्तानी 450। ये भाई हमसी है लेकिन थोड़े बड़े साइज़ में। ये स्कुमरू है, ये भाई बांगड़ा टाइप की मछली कहलाती है। ये आला बालिक है, ये ट्राउट फिश है। तो पाकिस्तान में हम ट्राउट फिश खाते हैं नारायण कागान में, ये वो फिश है, और बहुत ही ताकतवर तरीन, बहुत लेस होता है, बहुत सॉफ्ट मछली होती है। इसके अलावा मैं आपको अंदर की भी कुछ मछलियाँ दिखा देता हूँ। ये केपाल फिश है, ये डुग्गी मछली भी कहलाती है, बाटा मछली भी इसको कहते हैं। इसमें कांटे होते हैं लेकिन होती बहुत जायके में बेहतरीन मछली कहलाती है, लेकिन कांटे होते हैं तो बच्चे वगैरह नहीं खाते, तो इसकी वजह से मैंने ये मछली नहीं ख़रीदा, वरना मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। ये वही ट्राउट है, ये पालामूट है ट्यूना टाइप की, ये वही मैस्किट फिश है 75 लीरा की। ये लेडी फिश कहलाती है पाकिस्तान में, इस तरह की मछली को लेडी फिश कहा जाता है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की कहलाती है। ये इस तरह भी थे, इसकी भी हमसी की तरह लोग फ्राई बनाते हैं, बड़े मज़ेदार, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। बारबुन फिश है, ये डुग्गी फिश है लेकिन लाल डुग्गी कहलाती है। ये चुपरा फिश है, चुपरा जो है ये पाकिस्तान में गंदिया फिश कहलाती है, इसको हम चुपरा यहाँ पे कहते हैं। बहुत जायके में बहुत बेहतरीन मछली होती है, फ्राई करके खाएं, इसका जायका ही अलग होता है। पाकिस्तान में इसको दंदिया कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम सी ब्रीम है। मुझे बहुत पसंद है वो फिश। इसके अलावा लेवरिक फिश है, लेवरिक जो है ये आप इसको समझ सकते हैं, सी बैस कहलाती है, और पाकिस्तान में डांगड़ी मछली जो होती है वो इस तरह की मछली होती है। ये बारबुन फिश है, ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी की फ़िश कहलाती है। चुपरा है, आगे सॉल्मन के स्लाइसेस रखे हैं उन्होंने। सबसे आखिर में जो है लगोस है, जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये किस्सा टाइप की होती है, जिसके मैंने 2 पीसेस ख़रीदे हैं 95 लीरा के हिसाब से, भी पाकिस्तानी 1000 रुपये समझे पर किलो, लेकिन जायके के अतबार से सबसे बेहतरीन फिश जो है ना अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में रही है। आज माशाल्लाह धूप निकली है, स्नोफॉल बड़ी शदीद हुई थी, ये देखें बर्फ़ अभी तक सड़कों पर नज़र आ रही है थोड़ी बहुत। ये इनका रेस्टोरेंट का सेक्शन है, जरा सर्विंग करते हैं मछलियों को फ्राई करके ग्रिल करके। फिर रेस्टोरेंट का सेक्शन है, वहाँ पे बन रहे हैं फिश के शोरबे भी बन रहे होते हैं, ये बारबेक्यू के इन्होंने प्लेटर बनाए हुए हैं, इस तरह से होते हैं। पूरी मार्केट है यहाँ पे, मजीद फिश वाले भी बैठे हुए हैं,
लेकिन मैं इनसे ही लेता हूँ, कारा देनी वाले थे, इनकी फिश मुझे ज़्यादा पसंद है। तो फिर ये देखें किस तरह से फ्राई हो रही है, किस तरह से फिशेज बन रही हैं। ये तवे पे फ्राई हो रही है जैसे हम थी। ये दूसरी शॉप है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चोपड़ा फिश है, मैंने खरीद ली है तो मैं नहीं लूँगा। ये देखें बहुत सारे सॉसेज हैं, ये अचार हैं, ये भी सॉसेज हैं, ये ड्रिंक है, चल रहा हूँ। बहुत मज़े की ड्रिंक होती है, ये गाजर और मिर्चों से बनती है, ये अचार है लहसुन का है, बहुत सारी चीज़ों का है, मिक्स अचार भी है, ये शायद स्ट्रॉबेरी का है। देखें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रिल्ड आइटम भी रखते थे। इसके अलावा यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, इनका रेस्टोरेंट भी बना हुआ है यहाँ पर, आप अपने हाथ के हाथ चीज़ बना सकते हैं। आप लीमू चेक करें, साइज़ चेक करें लीमू का, इस साइज़ के लीमू यहाँ पे कॉमन होते हैं। ये अरवी है, ये बंद गोभी है, प्याज है, टमाटर, टमाटर 20 लीरा मीन्स पाकिस्तानी 220 रुपए किलो, प्याज पाकिस्तानी समझे 200 रुपए किलो है। ये बहुत लंबे साइज़ की मिर्चें, ये आप एक मिर्च का साइज़ देखें मेरे हाथ पे आ रहा है, इससे भी लंबी लंबी मिर्चें होती हैं। बाकी ये डिफरेंट टाइप्स के सलाद पत्तों का सेक्शन, लाल में भी है, वाइट में भी हैं, 8 से 10 किस्म के सलाद पत्ते हैं। ये मूली है, रेड मूली और ग्रीन मूली, गाजर है, चुकंदर है, लाल रंग की भी गाजर यहाँ मिलती है। ये देखिए ये लाल रंग की मूली है, ये लाल रंग की मूली है और ये लाल रंग के गाजर है, ये बंद गोभी है, आप पुदीना चेक करें इतने बड़े बड़े पत्ते पुदीने के, ये सोया है, सब सलाद के आइटम है। मैंने दो मछलियाँ ली हैं, ये गिस्सा टाइप की मछली कहलाती है, ग्रोपर फिश की फैमिली से, लागोस नाम है इसका, 95 लीरा के हिसाब से लागोस। अब ये इसका वेट कर रहे हैं, 95 लीरा के हिसाब से थी तो ये टोटल 3 किलो के दरमियान इसकी कीमत, इसका वजन बन रहा है। अभी YouTube वीडियो, ओके YouTube, ओके तमाम 284 लीरा की बनी है टोटल, ये ठीक है। मेरी मछली 3 किलो हुई थी, अब ये इसकी मैं सफाई करवा रहा हूँ। अभी भूयुक बाचा साबित, जो बड़ी मछली है उसके मैं पीसेस करवाऊंगा और जो छोटी मछली है उसको मैं साबुत रखूँगा। एविथ अभी कटिंग, आप इनकी सफाई चेक करिएगा कितने सारे तरीके से पानी चल रहा है और बहुत अच्छे से सफाई हो रही है। मैंने इनको कहा है कि बहुत अच्छे से इसके स्केल जो है आप रिमूव कीजिएगा ताकि अभी साच दहा अभी दिस ऑल्सो कट, आई इन्फॉर्म हिम टू कट एवरीथिंग। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का मसला है, यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोली जाती तो जिसकी बिना पर थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। बाकी ये मछली खारे पानी की होती है और वाइट मीट होता है इसका, बहुत मज़े की लगती है खाने में, तो आप फ्राई सालन हर किस्म के तरीक़ों से बना सकते हैं। और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं माशाल्लाह, तुर्की चौक ब्रिजिल,
इसके अलावा यहाँ पर वेजिटेबल्स भी हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी आप कटिंग चेक करें इनकी, माशाल्लाह। मछली के अंदर से धुआं निकल रहा है, इट मीन्स कि मछली जो है बहुत ताज़ा है और मछली की बॉडी के अंदर अभी तक हीट है। इन्होंने अंदर से पूरी साफ कर दी है। अभी पाचा एवे, पाचा एवे, ओके ओके, आई एम गिविंग यू अ वे टू गो इनसाइड। हैव इट सर, अभी सुबह सुबह का वक्त है, ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा मछली ले लूं फिर मैं घर पे जाऊं, तो इसकी वजह से अभी नो अभी एवर कुछ पर्सन बोले बोले में यस बोले बोले में अभी बोले एवर। ये बहुत बड़ी मछली है तो इसलिए मैंने इसके जो पीसेज हैं करवा रहा हूँ, और दूसरी मछली जो है मैं साबुत लूँगा ताकि यस एवर अभी नशा कुलर। अब मीट का कलर चेक करें, बिल्कुल वाइट मीट है। तो ये एक फिश मेरी हो गई है तैयार, अभी इसको पैक करेंगे, कितनी तमीज़ से करेंगे ये भी आप देख लें। ये सैल्मन फिश है, बड़ी मशहूर है। क्या ये पूरी मछली तैयार करके पैक करेंगे, बहुत अच्छा तरीके का रहे हैं पैकिंग का। अभी टू यस एवर आई एम आस्किंग हिम टू कट हेड एज वेल, बिकॉज इतना बड़ा सर जो है वो सालन वगैरह में भी नहीं खाया जाता, अक्सर लोग सर फेंक देते हैं, लेकिन जो सर का जायका है वो शौकीन लोग ही जानते हैं। सर के दो पीस करवा दिए मैंने, इसका सूप बहुत अच्छा बनता है। सर को सालन में अगर आप डालें या घर में बुजुर्ग हैं बच्चे हैं उनको आप यखनी बना के दें तो सर बड़ा उनके लिए जो है ना मुफीद खाना है। ये सर मेरा तैयार और ये मछली पैक हो गई बड़ी खूबसूरत तरीके से। अभी साबुत साबुत हाँ दिस कट कट मछली साबुत हाँ अभी वेन यूके पाकिस्तान यूके इंग्लैंड पाकिस्तान इज आस्किंग फ्रॉम वेयर आई एम बुड्डा साबुत एवेट साबुत अभी साच साच हाँ पाचा योग इज़गारा हाँ आई टोल्ड हिम दैट आई विल मेक अ बारबेक्यू ऑफ दिस फिश, तो हमें बारबेक्यू के लिए तो साबुत मछली का ही जायका देता है। एवेट अवेट seninle debel istiyorum adamlar görüyor değil mi burada? Bak görüyor değil mi bu? Güne çekiyor. Meşhur olacak. Tamam oy anamdan bilirim oy. Zeki Müren'de görecek mi? Yok. Zeki Müren'de görecek mi? Evet abi evet. ओके ही उस्ता एक्सपर्ट उस्ता फिश कटर अभी इसमें ने मुराद मुराद अभी इज कटिंग सो नाइसली
Elginde? O elginde. O kadar yok artık. Göle geçeceğiz. Ekmek yok mu diyeyim. Ekmek birin acından ölüm. फिश कटिंग कर रहे हैं मुराद अभी हमारे नो नो यो 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 काबी है बेटा अभी यो आस्किंग ये पूछ रहे थे कट कैसे लगा रहे हैं मैंने कहने तमाम अभी तमाम तशक्कुल अभी सच मछली पैक हो गई है मेरी भाई तो दो सर हो गए अब इनका एक दफा सालन टाइप का बन जाएगा जो कि सर्दी के मौसम में अभी यहाँ पे -8 degrees चल रहा है मेरे ख्याल से तो ये मछली मेरी तैयार हो गई है बहुत सफेद गोश्त है बिल्कुल वाइट मीट बयाद है ये इनके कुछ आइडेंटिटी होती है कुछ यूनिक चीज निकली मछली से इसका मुझे भी नहीं पता कोई फिश एक्सपर्ट हो तो बताएं इन्होंने अपने पास रख के संभाल के और ये देखें बहुत अच्छी पैकिंग की है इसके पास मशीन है वाटर रिमूव कर रहे हैं अब ये इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पैक करके मुझे शॉपर में देंगे साफ़ सुथरे तरीके से एक फिश मेरी तैयार हो गई और ये दो फिश कूलर अभी थैंक यू सो मच मुराद अभी कूलर